नमस्कार आदाब, मैं हूं सईद अंसारी आपके साथ और आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज। मसीहा टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दें नहीं तो ठोक दिए जाएंगे, ये कहने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी। आज कानपुर की घटना जिसमें 8-8 पुलिसकर्मियों की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और 8-8 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया, ये क्या सवाल पैदा करती है? क्या यही अच्छे दिन है? क्या इसी अच्छे दिन के लिए आप सत्ता में आए थे? क्या यही राम राज्य है? उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया बेलगाम हो गए हैं, किसी की भी हत्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। मैं उन श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ उन शहीद सिपाही पुलिसकर्मियों की जो अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और मुल्क की अपने ड्यूटी की हिफाजत के लिए शहीद हो गए। ऐसे शहीदों को नमन करता हूँ, ऐसे शहीदों को सलाम करता हूँ। मैं मांग करता हूँ प्रदेश शासन से कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके महीनों दो महीने में उनका फैसला किया जाए, जिससे जनता को, आम जनता को और पुलिसकर्मियों के ऊपर भी प्रशासन, अपराधियों के ऊपर प्रशासन का डर और आम जनता पे कानून पर भरोसा बढ़े। यह आपसे, हुकूमत से मांग करता हूँ। ये घटनाएं आज पहली मर्तबा नहीं हो रही हैं, पिछली सरकारों में ये घटनाएं हुआ करती थी जब लोग कहते थे गुंडा राज है। पिछली सरकारों में जो गुंडा राज कायम था, आज सरकार में भी वही गुंडा राज कायम है। मैं आश्वासन देता हूँ कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो पुलिस के हाथ खोल दिए जाएंगे अपराधियों से निपटने के लिए। कोई भी अपराधी पुलिस वालों के ऊपर इस तरह की हरकत नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतना सक्षम है कि अपराधियों से निपट सकती है, लेकिन अफसोस कि हुकूमत के लोगों ने पुलिस वालों के हाथ बांध दिए हैं और जिसकी वजह से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आज पुलिस का मोरल इतना गिर गया है, पुलिस का मोरल बिल्डअप करने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि पुलिस का हौसला बुलंद किया जाए जिससे अपराधी के ऊपर लगाम लग सके। मैं ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में इस मामले का निपटारण करके अपराधियों को फांसी के फंदे पहुंचाया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं आज शहीद हुए हैं, और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहां के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्बी प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जो आते हैं उसमें जो आते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जो आते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जो आते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित कर रहे हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी हमारी जैसा हमने आपको बताया हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही है, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जाते हैं वहां से पुलिस बल बुला लिया गया है और हम सिर्फ जो है कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे। Oh,